आज से ठीक 9 साल पहले भी इन्होंने एक जुमला दिया था, 15 लाख भी देंगे, हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज की सैर भी कराएंगे, 2 करोड़ रोजगार भी देंगे, 100 स्मार्ट सिटी भी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन भी चलाएंगे। माफ कीजिए, इतनी बड़ी रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, अभी तक इस्तीफा नहीं लिया उसने। ये राहुल गांधी जी से इतने परेशान हो चुके हैं, इनको पता है एक अकेला शख्स हम पे भारी पड़ रहा है। कोविड से कितने लोग मरे, इन्होंने कहा, इन्होंने देश की जनता के सामने झूठ रखा और इनका आईना सामने आया, 50 लाख से लोग ज्यादा मरे। कांग्रेस ने पकड़ पकड़ के रोजगार दिए, नौकरियां दी हैं, आज वो रिटायरमेंट होके बैठ गए, आज उनके बच्चे ये बातें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो कि अंधभक्ति में पागल है। राजस्थान में चाहिए क्या, ये सोच नहीं सकते, वो अशोक गहलोत जी ऑलरेडी पहले ही दे रहे हैं। जनता के बीच में जाने से नरेंद्र मोदी जी को डर क्यों लगता है, आखिर क्या बिगाड़ा है आपने उनका, क्यों घबराते हो आप जाने में। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं NCR समाचार। एपी जी, योगी कह रहे हैं कि राजस्थान में 5 सालों में जो काम अशोक गहलोत ने किया उसे बदलने का टाइम आ गया है, क्योंकि बहुत कुछ राजस्थान ने झेला 5 सालों में। क्या बदलेंगे आप, जो राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी दे रही है, अशोक गहलोत सरकार दे रही है 500 रुपए का सिलेंडर, उसे बदल सकते हो आप? 25 लाख का इंश्योरेंस दे रही है, उसे बदल सकते हो आप? किसानों का कर्जा माफ हो रहा, उसे बदल सकते हो आप? क्या चाहिए राजस्थान में, चाहिए क्या, ये सोच नहीं सकते, वो अशोक गहलोत जी ऑलरेडी पहले ही दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पहले ही दे रही है। अगर आपको देना है तो यूपी में दीजिए आप, यूपी में 500 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं करते आप, कौन मना कर रहा है वहां पे? मणिपुर में क्यों नहीं करते? पहली बात तो मणिपुर में तो छोड़िए आप, आप मणिपुर में इतनी बड़ी घटना घटी, आप एक बार भी वहां सकल दिखाने नहीं गए, क्यों बताइए क्यों? आखिर जनता के बीच में जाने से नरेंद्र मोदी जी को डर क्यों लगता है, आखिर क्या बिगाड़ा है आपने उनका, क्यों घबराते हो आप जाने में? 450 का सिलेंडर देने का वादा क्या है बीजेपी ने? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ आपके इस क्वेश्चन का आंसर एक ही बात से दूंगा, जहां जहां आपकी सरकार है वहां सबसे पहले आप 450 दीजिए, आप तब जाके झूठ बोलिए आप। आपको लगता है जनता अब इनकी बातों पे भरोसा करेगी? आज से ठीक 9 साल पहले भी इन्होंने एक जुमला दिया था, 15 लाख भी देंगे, हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज की सैर भी कराएंगे, 2 करोड़ रोजगार भी देंगे, 100 स्मार्ट सिटी भी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन भी चलाएंगे। माफ कीजिए, इतनी बड़ी रेल दुर्घटनाएं हो रही है, अभी तक इस्तीफा नहीं लिया उससे, आज इनको इनको फाइनल मैच देखने के लिए जा सकते हैं ये अपने ही बनारस स्टेडियम में, जो कि सरदार पटेल जी के नाम से था, मगर इनको वो चुभ रहा था, क्यों इसलिए चुभ रहा था, क्योंकि आजादी के समय सरदार पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान था उस वक्त, तो इसलिए उन्होंने नाम हटा दिया, अपना नाम से कर दिया। मोदी जी से दिक्कत क्या है? देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सिर्फ दिक्कत इस बात से है कि जो झूठ बोलते हैं उससे बड़ी दिक्कत है। युवाओं के एक्सप्रेशन के साथ खेला है इन्होंने, हिमाचल में भी देखने को मिल रही है ना, जनता को देखने को मिल रही है कांग्रेस, कर्नाटका में भी देखने को मिल रही है, जो वादे किए उसे वादे पूरे कर दिए, पहली कैबिनेट में वादे पूरे किए, कर्जा माफ किसानों का, 500 रुपए का सिलेंडर, अरे महिलाओं को देखिए, मतलब कितना कुछ कर रही है कांग्रेस। अरे मैं आपको बता दूं, सुनिए, देखिए, कांग्रेस ने पकड़ पकड़ के रोजगार दिए, नौकरियां दी हैं, आज वो रिटायरमेंट होके बैठ गए, आज उनके बच्चे ये बातें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो कि अंधभक्ति में पागल है। जो नरेंद्र मोदी जी ने ओल्ड पेंशन बंद कर दी है, कांग्रेस पार्टी सबसे पहले आते ही उसको चालू करेगी। मोदी जी कह रहे हैं जैसे दिवाली में घर की कोना कोना सफाई होता है, कांग्रेस की सफाई होने वाले। मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, ये 5 राज्य के चुनाव है ना, मैं आज की तारीख नोट कर लीजिए, मध्य प्रदेश में सरकार बन चुकी है, 70% से वोट अधिक वोटिंग हुई है, आपको पता है हर जगह क्या नाम गया है, कांग्रेस घोटाले, इन्होंने कितने घोटाले किए, तो हमें चौकन्ना रहना पड़ा, जहाँ हमारी आंख झपकती ये दुर्घटना कर देते। बाढ़ है मोदी जी का, आप क्या कह रहे हैं, घोटाले की पर बाढ़ करते हैं मोदी। देखिए, मैं बता दूं आपको, ये जो घोटाले हैं सबसे ज्यादा अगर किसी ने किए हैं तो बीजेपी ने किए हैं। आप मुझको बताइए, क्या
नोटबंदी सबसे बड़ा घोटाला नहीं था? और सबसे पहले सुनिए, सबसे पहले हर चीज के लिए राहुल गांधी जी ने जो आवाज उठाई है, क्या देश में एक बहुत बड़ी विकराल रूप लेके सामने जनता के सामने नहीं आई? बताइए, सबसे पहले क्या राहुल गांधी जी ने कोविड जैसी महामारी के लिए नरेंद्र मोदी जी को नहीं कहा था, बीजेपी को नहीं कहा था? उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो देश में हर तरफ लोग मरने लगे, कोविड से मरने। सुनिए आपको मेरी बात सुनिए, कोविड से कितने लोग मरे? इन्होंने कहा, इन्होंने देश की जनता के सामने झूठ रखा और इनका आईना सामने आया। WHO की रिपोर्ट के सामने, WHO की रिपोर्ट के लिए कितने आए? 50 लाख से लोग ज्यादा मरे। किसानों आंदोलन से 700 किसान लोग मरे। मैं कहना चाहता हूं, हमेशा मौत का तांडव अगर कोई करता है तो ये करते हैं भारतीय जनता पार्टी करते हैं। राहुल गांधी को मोदी जी कह रहे हैं मूर्खों के सरदार। मैं कहना चाहता हूँ, मूर्खों को सरदार आज के समय कौन है बताइए, कौन है? आज के बच्चों को आप नेहरू गांधी जी के बारे में पता नहीं है? क्यों क्यों किताबों से नाम हटा दिया? क्यों किताबों से हर जगह जो देश को आजाद कराया वो हटा दिया आपने? और आप कहते हो राहुल गांधी जी को मूर्खों को सरदार कहते हैं आप? मैं पूछना चाहता हूं, आपके चैनलों के माध्यम से मेरी जितने भी मेरे भाई मेरी बहनें मेरी वीडियो सुन रही हैं, बताइए राहुल गांधी जी के अलावा आज देश इनके सामने कौन आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है बताइए आप? 609 नंबर से दूसरे नंबर पे कौन आया है बताइए? वो तोता, उस तोते की गर्दन मोड़ने वाली है, उस तोते में जान किसकी है, ये जनता को समझ में आ गया आज के समय। राहुल गांधी जी ने एक एक समस्या देश के सामने रखी है। और सोचिए, ये राहुल गांधी जी से इतने परेशान हो चुके हैं, इनको पता है एक अकेला शख्स हम पे भारी पड़ रहा है। आप अयोध्या के नाम से दीपोत्सव मना रहे हो, बताइए कितना, एक प्रतीक दीपक की कीमत 3,325 करोड़ रुपए की लगाई है। भाई और बहनों, आपको राम मंदिर के दर्शन करने तो आप सरकार बना दीजिए, आपको निःशुल्क दिखाया जाएगा, ये लाइनें बोलते हैं बताइए? मतलब कोई युवाओं की बात नहीं, कोई महंगाई की बात नहीं, कोई रोजगार की बात नहीं, कुछ भी नहीं। रामलला के दर्शन होंगे, सारे दुख विपत्ति सब खत्म, रोजगार तो छोड़ दीजिए आप भी। आप सबसे पहले तो आप लोगों को तपस्या करनी चाहिए, सबसे पहले आपको तपस्या करनी चाहिए, ये आस्था का विषय है, ऐसे कुछ नहीं होगा। आप, मैं कहना चाहता हूँ, आज आप लोग सच्चाई दिखाइए, आंखों में आंखें डाल के जिस तरीके से राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं कि बताइए काले धन का क्या हुआ, जनता के सामने रखिए रिपोर्ट। मैं पूछना चाहता हूँ, NRC लेकर आ रहे थे ये बीजेपी? NRC लेकर आ रहे थे हैं? 3 साल पहले का चाइना के रिकॉर्ड ये इनसे खो जाते हैं और 50 साल के रिकॉर्ड ये जनता से पूछते हैं कि 50 साल का पुराना रिकॉर्ड लेकर आइए। चाइना के सारे दस्तावेज खो देते हैं ये और जनता से बोलते हैं 50 साल पुराना दस्तावेज लेकर आइए आप, अगर आप मूल निवास मतलब दिल्ली के मतलब भारत के निवासी हैं तो बताइए। मोदी जी कह रहे हैं ना राहुल गांधी जितना गरीबों में जाएंगे, जितना ज्यादा प्रचार करेंगे, उससे बीजेपी को ही फायदा है। मैं ये इनको समझ में आ जाएगा कुछ दिनों के बाद, अभी 5 राज्यों के बाद जब जनता इनको दौड़ाएगी, दौड़ा दौड़ा के इनको भगाएगी ना, तब समझ में आ जाएगा। इन्होंने हर जगह दंगे कराए, हर जगह देश के प्रधानमंत्री की आंखों के सामने हर जगह दंगे हो रहे हैं, उसका कौन है जिम्मेदार? कि IIM हमने बनाया है, IIT हमने बनाई है। मेरी जनता, मेरे बहन भाई सब सुन रहे, तो मैं पूछना चाहता हूँ, गूगल सर्च करिए और इनका चेहरा इनको दिखाइए कि किस तरीके से आप लोगों की के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं झूठ बोल के। बताइए 1948 में आजादी के बाद अगर देश में तेजी से काम हुआ तो नरेंद्र मोदी जी ने किया क्या? उस वक्त वो पैदा हुए थे क्या जो ये कहते हमने किया? उस वक्त देश की आजादी के बाद नेहरू जी, गांधी जी, सरदार पटेल जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, अरे इन्होंने उस वक्त देश को आजाद कराया। और उस वक्त महात्मा गांधी जी, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद 1948 में आईआईटी नहीं बनाया था क्या? 1950 प्लानिंग कमीशन बनाया,
1951 में IIT बनाया, 1952 में एम्स बनाया, 1954 में सेल बनाया, 1954 में बार्क बनाया, 1955 में भिलाई स्टील प्लांट बनाया, 1956 के अंदर ONGC बनाया, 1958 के अंदर DRDO बनाया, 1961 में DRDO बनाया, 1961 में IIM बनाया, 1962 में ISRO बनाया और 1964 में BHEL भेल बनाया। 1975 में इमरजेंसी लगाई और सारे पत्रकार और जितने भी मीडिया थे उस पर ताला भी लगा दिया। आपको ये उस वक्त सोचिए कि उस वक्त अगर इंदिरा जी ये कार्य नहीं करती तो क्या होने वाला था, पता है आपको क्या होने वाला है? आप सोचिए आज जैसे, सुनिए मैं बताता हूँ आपको, जिस तरीके से आज जो दंगाई हो रहा है ये होने वाला था उस वक्त। उस वक्त भी इन्होंने कितनी बार कांग्रेस पार्टी की सरकार तोड़ी मगर निकला क्या बताइए, आप बताइए। 6-6 महीने के लिए इनकी सरकारें बनती थी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त भी इनके पास विजन नहीं था और आज भी 10 सालों के अंदर कोई विजन नहीं है। क्या बात करते हैं, सुनिए सुनिए एक सेकंड मुझे, क्या बात करते हैं आज ये भाई और बहनों, मैंने वहां इतने हजार शौचालय बना दिए, भाई और बहनों मैंने इतने शौचालय यहाँ बना दिए। अरे आप शौचालय गिना रहे हो या स्कूल कॉलेज गिना रहे हो? अरे स्कूल कॉलेज गिनाते तो आप अच्छा भी लगता, अरे शौचालय से स्वच्छता आती है। तो आप सोचिए ये छोड़ के आप शौचालय में सोइए, शौचालय में खाइए, सारे काम शौचालय में करिए। आप क्या चाहते हो, शौचालय नहीं होना? शौचालय सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ शौचालय को आप ऐसा गिनाओगे, ऐसा प्रेजेंट कर रहे हो क्या, आप पढ़ाई करने जा रहे हो? काम कर रहे तो गिना रहे हो। मैं तो यही जो मैं कहना चाहता हूँ, सोचिए उस वक्त अगर नेहरू जी अगर ऐसे गिनाते रहते तो देश के लिए काम कर दिया, देश के लिए काम करके छोड़ दिया, ऐसे काम नहीं करते थे उस वक्त। खुद किस तरीके से काम हुआ है देश में, देश कहां से कहां पहुंचा, मैं कहना चाहता हूं आज इनके पास कोई विजन नहीं है। 5 स्टेटों की सरकार जा रही है, नरेंद्र मोदी जी के हाथ से निकल रही है और फिसल रही है और शाम, क्योंकि जनता को समझ में आ गया कांग्रेस पार्टी इस देश को बचा सकती है, इनके साथ इनके इनके चुंगलों से छुड़ा सकती है।